नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में जमीन या प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री, दाखिल खारिज, एग्रीमेंट, पट्टा, राजस्व चोरी और अवैध कब्जा जैसी समस्याओं की भरमार है और भारत में लगभग सभी परिवार इस समस्या से किसी न किसी रूप में पीड़ित हैं, चाहे वह गाँव का किसान हो या शहर का बिजनेसमैन या मध्यम वर्ग का कोई परिवार हो। दोस्तों, ऐसे सभी मामलों की सुनवाई राजस्व न्यायालयों में होती है, इसलिए दोस्तों आज के वीडियो में आपको राजस्व न्यायालय और राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। ऐसी ही यूजफुल वीडियोज को पाने के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, प्रत्येक राज्य में भू राजस्व अर्थात भूमि से संबंधी राजस्व के संबंध में मालगुजारी की वसूली और भू राजस्व से संबंधित मामलों का निपटारा करने वाली संस्था या अधिकारियों के समूह को राजस्व न्यायालय अर्थात रिवेन्यू कोर्ट कहते हैं। जो कानून केंद्र सरकार के स्तर पर बनाए जाते हैं वह पूरे भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से लागू होते हैं, जैसे आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी इत्यादि। परंतु केंद्र सरकार ने राजस्व से संबंधित मामलों में कानून बनाने और लागू करने की जिम्मेदारी सभी राज्यों को दी है। सभी राज्य अपने स्तर पर भू राजस्व से जुड़े कानून बनाकर और राजस्व न्यायालयों की स्थापना करके भू राजस्व से संबंधी विवादों को समाप्त करते हैं। इसलिए भारत के सभी राज्यों के भू राजस्व से जुड़े नियम और कानून अलग अलग होते हैं, परंतु सभी राज्यों के राजस्व न्यायालयों की कार्यप्रणाली एक जैसी ही है। तो चलिए राजस्व न्यायालय की कार्यप्रणाली के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, राज्यों द्वारा भू राजस्व से जुड़े अपने अधिकारों को अलग अलग कमिश्नरी क्षेत्रों में बांट दिया गया है और कमिश्नरी लेवल पर कमिश्नर या आयुक्त की नियुक्ति की गई है। उसके बाद कमिश्नरी क्षेत्रों को जिलों में डिवाइड किया गया है, जहाँ ऐसे मामलों को जिलाधिकारी अर्थात डीएम द्वारा देखा जाता है। जिला क्षेत्र को उपखंड स्तर पर बांटा गया है, जहां ऐसे मामलों को एसडीएम द्वारा सुना जाता है। उपखंड स्तर को तहसील स्तर पर बांटा गया है, जहां ऐसे मामलों को तहसीलदार द्वारा सुना जाता है। अर्थात राजस्व न्यायालयों का सबसे निचला स्तर तहसील लेवल का है और सबसे बड़ा स्तर कमिश्नरी है, तथा राजस्व न्यायालयों में मामलों की शुरुआत तहसील स्तर से ही होती है। उससे ऊपर के सभी स्तरों पर राजस्व न्यायालय, अपीली न्यायालय होते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।